विद्याधर नगर थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि विद्याधर नगर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। समय रहते बड़ी वारदात होने से बच गई है, बड़ी वारदात होने से टली है। दरअसल एक दुकान के बेसमेंट से सुरंग को खोदा गया था। दुकान से 400 मीटर दूर एक बैंक था और उस दुकान से बैंक तक सुरंग को खोदा गया। मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अब आरोपी से पूछताछ की जा रही है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, देखिए कि किस तरह से सुरंग को खोदा गया था। दुकान से बैंक की जो दूरी है 400 मीटर की दूरी है। ये तस्वीर जरा आप देख लीजिए, ये वो सुरंग है जिसे खोदा गया था। और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सत्यनारायण हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सत्यनारायण, देखिए बड़ी वारदात यहां पर हो सकती थी, लेकिन पुलिस की सूझबूझ से बड़ी वारदात होने से टल गई, क्योंकि दुकान और उस बैंक के बीच की जो दूरी है वो 400 मीटर की दूरी है और दोनों की दूरी के बीच में सुरंग खोदा गया था और ऐसे में कोई बड़ी वारदात यहां पर हो सकती थी। आपके पास क्या जानकारी है सत्यनारायण? काफी बरसों बाद में इस प्रकार का मामला सामने आया है कि सुरंग खोदने के बाद में बैंक को टारगेट किया गया है। क्योंकि ये जो दुकान है, इस दुकान के पीछे वाली दुकान जो कि चार युवकों ने वर्ष 2023 में किराए पर ली थी और तभी से उनको एक टारगेट किया था। यहाँ पर 400 मीटर दूरी पर एक बैंक है SBI का, उसको टारगेट किया गया था। हालांकि एक आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। अब देखिए जहाँ आप जैसे भी खड़े हैं, चूँकि काफ़ी लोग इकट्ठे होते हैं, ऐसे में उस सुरंग को मिट्टी डालकर सुरंग को बंद कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि कोई वारदात ना सकी, और अच्छी बात यह भी रही कि पुलिस ने समय रहते एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उससे पूछताछ में सामने आया है कि उन्होंने वर्ष 2023 के अगस्त महीने के अंदर इस दुकान को 11,000 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से किराए पर लिया था और उसके बाद में उन्होंने अंदर ही अंदर दुकान को खोदकर करीबन यहां तक पहुंच चुके थे। यानी कि महज 200 मीटर वो खोद चुके थे और 200 मीटर उनको खोदना बाकी था। लेकिन आज सुबह जब यहां पर एक आलू का ट्रक आया, उस ट्रक के वजन से जब यहां की मिट्टी नीचे धंसी, उस धंसने के बाद में लोगों ने सूचना पुलिस को, और तत्परता यह रही, पुलिस ने सूचना मिलते मुकेर पुलिस पहुंची और जो आरोपी यहां से फरार होने का प्रयास कर रहा था उसको समय रहते धड़ दबोच लिया। अब लोगों में एक अजीब सी वो जाने की हो रही कि आखिरकार इतनी बड़ी घटना हो गई लेकिन किसी को पता क्यों नहीं चला। क्योंकि ये जो पूरा एरिया है इंदू, ये पूरा एरिया सब्जी मंडी का एरिया है जहाँ पर रोजाना सुबह सब्जी मंडी लगती है और हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर सब्जी खरीदने आते हैं। ऐसे में किसी को एहसास भी नहीं हुआ कि इस सब्जी मंडी के नीचे से, इस मिट्टी के अंदर से सुरंग भी जा रही है। क्योंकि लगातार जो सब्जी के अंदर आवागमन होता है या फिर सब्जी वाले जो आवाज़ लगाते हैं उसकी वजह से लोगों को ये भ्रम ही नहीं हो पाया कि अंदर ही अंदर कोई सुरंग खोदकर बैंक डकैती का प्रयास कर रहा है। अब जो आरोपी है अमन, उसका नाम बताया जा रहा है, उससे पूछताछ में सामने आया कि उसके 3 साथी और हैं जिन्होंने इस दुकान को किराए पर लेने के बाद में एक ई रिक्शा किराए पर लिया और जो मिट्टी वो खोदते थे उस मिट्टी को कट्टों भरकर ई रिक्शा के जरिए वो नाले में डाल देते थे। यानी कि पूरी सोच समझ साजिश थी, लेकिन इनकी साजिश का पर्दाफाश हो चुका है। मुख्य जो आरोपी है अमन खान, उसको गिरफ्तार किया जा चुका है और माना जा रहा है कि आज देर रात तक इस पूरे मामले के अंदर जो 3 आरोपी जो फरार चल रहे हैं उनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। इंदू, बिल्कुल सत्यनारायण, देखिए बड़ी ही चालाकी से, बड़ी ही सूझबूझ के तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिया जा रहा था। जैसे कि आपने जानकारी दी कि 200 मीटर तक सुरंग की खुदाई भी हो गई थी, क्योंकि सब्जी मंडी का एरिया है, वहां पर बेचने जो सब्जी विक्रेता है उनकी आवाज की वजह से लोगों को आवाज नहीं आती थी। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस की तत्परता, आसपास के लोगों की तत्परता की वजह से इस बड़ी वारदात का खुलासा हो गया, वरना कोई बड़ी वारदात यहां पर हो सकती थी। सत्यनारायण, बिल्कुल, देखिए अगर 200 मीटर जो बदमाश थे 200 मीटर अगर और खुदाई कर लेते तो उस बैंक तक पहुंच जाते थे और बड़ी वारदात हो सकती थी। चूंकि दिन के अंदर खुदाई काम करते थे, क्योंकि रात को शांति का माहौल रहता, सर्दी का था, ऐसे में दिन में खुदाई काम करते और रात को उन्हीं मिट्टी को कट्टों में भरकर वहाँ से दूर ले जाते। अब देखिए जैसे जैसे सूचना मिल रही है वैसे वैसे पुलिस के आला अधिकारी अब मौके पर पहुँच रहे हैं और जो स्थिति है वर्तमान का जो घटनाक्रम हुआ है उसकी जानकारी ले रहे हैं। हालांकि राहत यह रही कि इंदू समय रहते इस वारदात का खुलासा हो गया और जो आरोपी है एक को उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हम बात करने का प्रयास भी करेंगे जिस प्रकार से यहाँ पर अधिकारी आए हुए हैं उनसे कि आखिरकार जो घटनाक्रम हुआ है उस घटनाक्रम को लेकर क्या पुलिस का कहना है। चूंकि घटना तो हो चुकी और दिल्ली वैसा एक घटना होने वाली थी, लेकिन पुलिस की तत्परता रही कि घटना बच गई, क्या करना चाहेंगे? मेरा ये मानना है कि ये लोग काफ़ी दिनों से सक्रिय थे और इन्होंने गलत दस्तावेजों के आधार पर दुकान किराए पर इन्होंने ली और उस दुकान के नीचे बने बेसमेंट के नीचे से इन्होंने खुदाई करके और ये प्रयास किया है। वैसे क्या रहता है, समय रहते अगर पुलिस नहीं पहुंचती तो आरोपी फरार हो जाता? हाँ, ये सही है, समय रहते अगर आज सुबह सूचना मिली तत्काल पुलिस ने कार्रवाई की और उसमें से एक जो अभियुक्त था उसको हमने डिटेन किया जिससे पूछताछ की जा रही है। आशा है
हम जल्दी जल्दी बाकी जो शेष हैं उनको गिरफ्तार कर लेंगे और एक बड़ी घटना जयपुर शहर में होने से टल गई है। देखिए डीसीपी नॉर्थ राशि मैडम भी आ चुकी है, मैडम बड़ी घटना होने से टली है, पुलिस की तत्परता रही है, क्या करना चाहेंगे? देखिए आपको जैसे पता है कि पूरा प्रशासन और पुलिस अभी काफ़ी व्यस्त भी चल रही थी, तो ये एक प्रोएक्टिव पुलिसिंग का उदाहरण है जहां पुलिस को जिस तरह से पता चला पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया, और ना ही अपने को पता चला है बट हमने एक आदमी को इसमें डिटेन भी किया है। क्या लगता है कब से दुकान पे किराए पे लिया होता, अंदर अंदर खुदाई करते रहे लेकिन पास के दुकानदार को पता भी नहीं चला, क्या कुछ? देखिए ये तो काफ़ी ये बरेली से पता चला है कि बरेली से इस तरह की गैंग आई हुई थी, तो इसमें इनकी ये स्पेशलिटी है, तो ये अंदर ही अंदर खुदाई करते रहे और मिट्टी भी ये धीरे धीरे बाहर ले जाते रहे, और चार लोग थे ये, और अभी जैसे जैसे और आगे सूचना मिलेगी, ये पिछले 6-7 महीनों से इन्होंने किराए पे घर लिया हुआ था, ये दुकान भी ली हुई थी। मौके से नक्शा भी मिला है, नक्शा डायरेक्ट बैंक को टारगेट कर रहा है, क्या लगता है? नहीं यही है कि नक्शा ये साफ दर्शाता है कि इनकी जो मंशा थी कि ये धीरे धीरे अपना सुरंग तो खोद ही रहे हैं, और जिस दिन फिर मेरे ख्याल से किसी दिन लंबी छुट्टी होती, 3-4 दिन कभी बैंक हॉलीडे होता, उस दिन ये उस अपनी वारदात को अंजाम देते। थैंक यू मैडम। तो देखिए एक बड़ी वारदात होने से टली है, खुद डीसीपी नॉर्थ राशि लोगों ने बताया कि पुलिस की तत्परता रही, और ये देखिए हम दिखाना चाहेंगे जी, जो सुरंग है उस दुकान की तरफ जा रही है जिसको अब बंद करने का प्रयास किया जा रहा है फिर डाल के, हालांकि सुरंग को बिल्कुल तरीके बद रूप से, यानी कि जो गैंग है वो इस गैंग का काम यही रहा है कि सुरंग खोदना जानती है, सुरंग के जरिए बैंक तक पहुँचना जानती है, और सबसे बड़ी जानकारी ये मिली है कि 26 जनवरी को इस वारदात को अंजाम देने का पूरा प्लान था, लेकिन पुलिस की कुशल कार्यशैली के कारण आज ये वारदात होने से टल गई। ये जो बलियां लगाई गई है सुरंग की मिट्टी को ऊपर रखने लगाई गई है जिससे कि सुरंग ना बैठे, लेकिन एक बड़ी घटनाक्रम हो सकता था लेकिन पुलिस की तत्परता रही और वारदात टल गई। फिलहाल जो मुख्य आरोपी है अमन खान, उसका नाम बताया जा रहा है, उससे पूछताछ की जा रही है, और माना जा रहा है कि आज देर शाम तक इस पूरे प्रकरण के अंदर जो बाकी 3 आरोपी हैं वो भी गिरफ्तार हो सकते हैं। आयुषी बिल्कुल सत्यनारायण, क्योंकि जिस तरह से अभी जानकारी भी निकल कर आई कि ये जो गैंग है बड़े ही एक्टिव तरीके से और बड़े ही सूझबूझ के तरीके से इस काम में एक्सपर्ट है, सुरंग की खुदाई करके पहले भी वारदात को अंजाम दे चुके हैं, तो ऐसे में जैसे कि आपने जानकारी दी जो मुख्य आरोपी है अमन वो पुलिस की गिरफ्त में है, तो ऐसे में जब उससे पूछताछ की जाएगी तो कई ऐसे खुलासे हैं जो उसके माध्यम से होंगे, और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। बिल्कुल, देखिए काफ़ी शातिर गैंग है, उत्तर प्रदेश की गैंग है, और 6 महीने पहले ये गैंग आ चुकी थी जयपुर शहर के अंदर, उन्होंने टारगेट किया, पहले देखिए कि टारगेट किया अंबावाड़ी इलाके को, जहां पर जो तो दुकान आप दिखाना चाहूँगा अमन आलू भंडार, इसके पीछे वाली दुकान को उन्होंने चुना है, और चुनने के बाद में उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है। और ये देखिए हमारे साथ वो व्यक्ति हैं इंदु, इस पूरे घटनाक्रम के हीरो हमारे साथ हैं, मुकेश कुमार। मुकेश जी, सबसे पहले सूचना आपको मिली थी, आपने आरोपी को गिरफ्तार किया, कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है सर। क्या सूचना आई थी आपके पास? वो पड़ोसी दुकानदार ने बताया कि यहाँ कुछ संदिग्ध है, बेसमेंटों को देख रहे थे जब जाकर के, उन्होंने बताया था तो वहाँ देखे, तो दुकानदार को बताया मैंने, आए तो बताना मेरे को, तो साइड में जब आया था पैदल पैदल जा रहा था। तो फिर ये इस पूरी वारदात खुलासे के हीरो हैं, हम शुभकामना देते हैं आपको कि आप इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहें। बिल्कुल सर, कर रहे हैं। चलिए एक अच्छी बात है इंदु की, जब कांस्टेबल क्योंकि मजबूत होता है तभी थाने का इंचार्ज मजबूत होता है, और शायद इस वारदात के अंदर दर्शा दिया कि इस कांस्टेबल ने ही तुरंत सूचना मिलते मुकेर पहुंचा और भागते हुए आरोपी अमन खान को पकड़ा, उसने पूरा जुर्म कबूल किया कि हाँ मैंने मेरे 3 साथियों के साथ मिलकर यहां तक सुरंग खोदी थी, और महज 200 मीटर की सुरंग मुझे और खोदनी थी। फिलहाल एक बड़ी वारदात उनसे टल गई है, अब पुलिस कोशिश कर रही है जो बाकी बदमाश है उनकी गिरफ्तारी की, जिससे कि उनको गिरफ्तार किया जा सके, इस पूरी जो गैंग है उसका पर्दाफाश किया जा सके। इंदु बिल्कुल सत्यनारायण, आपने तस्वीरें भी दिखाई सुरंग की और आपने जानकारी भी साझा की, उसके लिए सत्यनारायण आपका बहुत बहुत